सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बक्से नहीं जाएंगे। उस जिले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा, और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी, जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है, और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है? है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से, और बाहर में ढोल बजाते हैं? ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है, तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताएं ना, मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था, है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था, गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था, वह बॉर्डर क्षेत्र है सिवान, छपरा, गोपालगंज, ऐसे जगह पर सबसे ज्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे, तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।